बच्चों जैसे कि आपको पता हम पढ़ रहे हैं कक्षा ग्यारह है। के गणित का चौथा अध्याय गणितीय आगमन के सिद्धांत जिसके अंतर्गत मैं तुम्हें बार बार समझाता रहा हूँ केवल हमें तीन स्टेप्स को फॉलो करना है अब हम पहुँच रहे हैं बच्चों भाग नंबर पाँच पे इससे पहले हमने एक से लेकर छह तक के प्रश्न आपकी प्रश्नलाय कर लिए उससे पहले पूरे उदाहरण कर लिए उससे पहले मैंने तुम्हें बता दिया गणितीय आगमन सिद्धांत का यूज हमें कैसे करना है आशा करता हूँ सारी बातें बिल्कुल सेम चलती हुई आ रही है आगे प्रश्न आपने खुद से ट्राई कर लिए होंगे यदि आपने ट्राई कर लिए तो आपको मुबारक हो आप अपना सॉल्यूशन मैच करें जो भी न्यूमेरिकल डेटा है वो मैं तुम्हें समझा देता समझा थ्योरेटिकल पोर्शन आप सभी को इसका याद है ठीक है आइए एक गुणा तीन तीन गुणा पांच पांच गुणा सात टू एन माइनस वन टू एन प्लस तक चलेगा, और इस तरह से माना कि कथन पी एन है फिर एन बराबर एक के लिए एल एच एस ठीक है आइए शॉर्ट में बोल रहा हूँ मैं ना समझ जाओगे ना केवल जो स्टेप है मैन में थ्योरी तुम्हारे को सोल्यूशन में दिखी जाएगी तो बच्चों एल एच एस में आ गया तीन एन बराबर एक के लिए और आर एच एस यानी कि दाया पक्ष इसमें देखते हैं एक रखो एन की जगह एक चार गुणा एक का स्क्वायर प्लस छुणा एक माइनस एक ठीक है और बटे में बच्चों कितना आ रहा है तीन चलो कैलकुलेशन करो चारम चार छम छ चार, चार और छह दस दस में से एक गया तो नौ नौ में तीन का भाग देंगे बच्चों कितना आ गया तीन यानी कि एल एच एस बराबर आर पहली बात क्लियर अब किसी धन पूर्णांक के के लिए परिकल्पना करते हैं तो पी के सत्य होगा तो पी के की जो वैल्यू है ना बच्चों वो हमारे पास क्या आने वाली है एक गुणा तीन तीन गुणा पांच पांच गुणा सात ठीक है यहां पे आ जाओ एन की जगह अपन क्या रखने वाले हैं k, k माइनस वन और ये टू के प्लस वन बराबर में इसका रिजल्ट किसके बराबर आएगा के फोर के स्क्वायर प्लस सिक्स के माइनस वन बहुत अजीब सा है लेकिन घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है अब हमें सिद्ध करना होता है बच्चों लास्ट एंड फाइनल स्टेप पी के प्लस वन यानी कि के की जगह हम क्या रखने वाले हैं के प्लस वन तो सभी बिल्कुल ध्यान से देखना ठीक है साथ के साथ कैलकुलेशन करते रहना पी के प्लस वन इसका एल एच एस आर एच एस दोनों पर लिख लेते हैं एक गुणा तीन तीन गुणा पांच ठीक है यहां पे आओ दो के माइनस एक दो के प्लस एक अब ये तो के के लिए है ना के प्लस वन तो अगली स्टेप होगी तो जहां भी के है बच्चों वहां पे के प्लस वन रखो यहां पे अगर तुम के प्लस वन रखते हो तो टू के प्लस टू माइनस वन करोगे तो टू के प्लस वन टू के प्लस वन बोलो ना, हाँ ना भाई यहां पे के प्लस वन रख के देख लो एक बार तो टू के प्लस टू में से गया तो एक बच जाएगा अब यहां पे टू के यहां पे के प्लस वन रखो तो टू के प्लस टू दो एक तीन टू के प्लस थ्री ठीक है ये आ गया हमारा लेफ्ट हंडेड साइड अब हमें लाना क्या है इससे शेड नहीं करके लाना है बराबर में के, की के प्लस वन बाहर आना चाहिए ठीक है आगे बढ़ो जी यहां पे फोर के प्लस वन का स्क्वायर प्लस सिक्स के प्लस वन माइनस का वन और बटे में बच्चों कितना आना चाहिए तीन ये लाना होगा बच्चों जो लाना है वो हमने पहले ही लिख लिया ताकि हम इसको देखते देखते अपने रास्ते पर चलेंगे क्योंकि जब चलेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ही हम गुणखंड करेंगे फैक्टर्स करेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे जो भी करेंगे क्योंकि रास्ता तो फिक्स है ना ठीक है ये रही हमारी मंजिल इससे छेड़गानी करके हम लाते हैं अब सभी बालक बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से देखना ठीक है आओ बच्चों बच्चों यहाँ तक की जनता का सोल्यूशन तुम्हारे पास है के की फॉर्म में ये रहा देख पा रहे हो ना तो इसको लिखू मैं है ना क्या लिखे बच्चों यहाँ पे बताओ के ठीक है ब्रैकेट फोर के स्क्वायर प्लस सिक्स के माइनस का एक बटे तीन प्लस प्लस में क्या आ रहा है बच्चों यहां पे ध्यान द्या, से देखो टू के प्लस वन और टू के प्लस थ्री एक सेकेंड इसको अपन रफ कर देते हैं थोड़ा सा

फिर सिक्स के और फिर तीन ए कम तीन और ये फोन में बच्चों कितना चलेगा थ्री चलेगा कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक थोड़ा सा आगे बढ़े थोड़ा सा स्कोर सुंदर बनाते हैं अपन पूरी कैलकुलेशन करके है ना ध्यान से देखना बच्चों नीचे चल रहे हैं तो कलर चेंज करना पड़ेगा ताकि ढंग से दिखाई दे फोर के क्यूब ठीक है प्लस सिक्स के स्क्वायर माइनस के मल्टीप्लाई कर दो जी चार ती बारह ठीक है चारती बारह के स्क्वायर तीन दोनी छ के तीन छ की अट्ठारह के और तीन तिया नौ और बच्चों पौन में क्या चल रहा है हमारे पास तीन चल रहा है ये लीजिए अब देखो हमारा टारगेट क्या है वो तो दूर दूर तक यहाँ पे फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा ठीक है इसको बैलेंस करना पड़ेगा बच्चों हो पहले एक बार थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाते हैं बच्चो तो रे, रेडियो बिल्कुल बताओ फोर के क्यूब का को, और कोई है कोई भी नहीं अकेला है फोर के क्यूब अच्छा के स्क्वायर वाले देखो कितना है बारह और छ अठारह अट्ठारह के स्क्वायर ठीक है अब के वाले देख लो अठारह और छह बच्चों कितना होता है चौबीस चौबीस में से एक गया तो बच्चों कितना बचता है ट्वेंटी थ्री के सही बात है क्या आ... ट्वेंटी थ्री के और ये केवल हमारे पास कितना बचा नाइन प्लस का नाइन और अपॉन में बच्चों कितना चल रहा है तीन चल रहा है अब बारी है बच्चों इस तरह से बैलेंस करने की अब बच्चों देखो आ, सोचना सीखो आ ना ओरिएंटेशन सीखो क्योंकि मैं लिख दूंगा उसके बाद तो समझ में आ जाएगा हम सोच कैसे रहे यदि मैं आपकी जगह बैठा हूँ तो मैं क्या दि दिमाग लगाऊंगा कि इसमें से कैसे भी करके हमें के प्लस वन बाहर लाना है पहले तो के प्लस वन बाहर लाने का एक ही तरीका है सर एक क्यूबिक इक्वेशन है और आपने टेंथ अब देखो यहाँ पे पिछली मैथमेटिक्स काम आती है यानी मैथमेटिक्स लिंक्ड होती है यूनिको डायरेक्ट ग्यारहवीं में प्रवेश कर जाएगा ग्यारहवीं की सब समझ में आ जाएगी इसको एट नाइन्थ टेंथ में मैथमेटिक्स से प्यार रहगा वही ग्यारहवीं में मजे ले पाएगा बच्चों ठीक है देखो बच्चों इसको हमें इसके अकॉर्डिंग जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा थोड़ा सा तुम दिमाग लगा लो बच्चों क्यूबिक इक्वेशन है ये वाली क्यूबिक इक्वेशन से इस तरह का लाने के लिए यानी कि एक गुणनखंड में के प्लस वन वाला बनाना बनाना पड़ेगा ठीक है अब के प्लस वाला गुणनखंड यदि हमें बनाना है तो इसको इस तरह से हमें फैक्टराइज करने पड़ेंगे कि एक पोर्शन से के कॉमल ले एक पोर्शन से वन कॉमल ले और जो अंदर बचे वो डेटा सेम होना चाहिए इसके लिए देखो बहुत ही बढ़िया तरीका अपन बच्चों के कॉमल लेना है तो फोर के स्क्वायर तो बचेगा तो बचेगा तो बच्चों फोर के स्क्वायर बचेगा तो फोर के स्क्वायर हमें दो बार लाना पड़ेगा ठीक है ऐसे देखो फोर्टीन के भी हमें लाना पड़ेगा क्यों उसका कारण बताऊ क्या ध्यान से देखो मैंने फोर्टीन के पे दिमाग क्यों लगाया बच्चों फोर्टीन के पे दिमाग इसलिए लगाया क्योंकि यहां पे इसको हम ब्रेक कर देंगे चौदह और चार में चौदह और चार अब इसको भी चौदह और नौ में ब्रेक कर लेंगे तो नौ भी दो बार आ गया चौदह भी दो बार आ गया चौदह भी दो बार आ गया 9 भी दो बार आ गया देखो एक बार फोर के ऐसे कैसे 18 को ब्रेक करो फोर्टीन के स्क्वायर प्लस फोर के स्क्वायर अब इसको ब्रेक करो तेवीस को बच्चों चौदह के प्लस नाइन के और ये नाइन एज इट इज बटे में तीन एज इट इज अब देखो कितना आसान हो गया इसको अपन इस तरह से जमाएंगे ध्यान से देखो फोर के क्यूब फोर्टीन के स्क्वायर और नाइन के एक तरफ फोर के स्क्वायर नाइन फोरटीन के और नाइन एक तरफ है ना आइए कैसे इसको थोड़ा सा ऊपर और लेके जाएंगे अपन एक बार अब ध्यान से देखो बच्चों है ना इससे आसान कुछ है ही नहीं मतलब बहुत आसान है तो फोर के क्यूब प्लस फोरटीन के स्क्वायर प्लस का नाइन के पास पास लिखो फिर इधर आ जाओ बच्चों अब यहाँ पे कौन बचा फोर के स्क्वायर प्लस नाइन के ठीक है फोर के स्क्वायर प्लस नाइन के बच्चों नाइन के तो चला गया ना एक सेकेंड नाइन के अपने गलत ले लिया नाइन के की जगह अपने को लेना बच्चों फोर्टीन के क्योंकि तो यहाँ पे फोर्टीन आ रहा है ना ये वाला फोर्टीन के फोर्टीन के प्लस नाइन और बच्चों अपॉन में इस पूरे के क्या चल रहा है हमारे तीन चल रहा है बहुत बेकार सी हूं हूं। से कैलकुलेशन है घबराओ मत अब ध्यान से देखो इधर आओ इनको बच्चों तीन-तीन के पैर हमें बनाने पड़ेंगे है ना देख पा रहे हो तो इन तीनों में से कुछ कॉमन इन तीनों में से कुछ कॉमन k+1 तो हमारा आ ही जाएगा जो हमें हमारी रिक्वायरमेंट थी है ना तो इसमें से बच्चों k कॉमन लेंगे एक बार अपन तो क्या बचेगा अंदर ध्यान से देखो 4k2 14k 9 और इधर से 1 कॉमन ले लो क्या बचेगा फोर के स्क्वायर प्लस फोर्टीन के प्लस नाइन और अब पौने बच्चों क्या चल रहा है थ्री चल रहा है बोलो हा है ना अब के प्लस वन के प्लस वन को लिख लो अब बच्चों अपन नीचे से ऊपर चलेंगे कॉपी में तो सही करना ये के प्लस वन अपन ने बाहर ले लिया ये लो साहब एक बाजी तो हमने जीत ली बच्चों जो बाहर कॉमन लेने वाला एलिमेंट था वो तो हमने ले लिया अब आओ अंदर क्या बच रहा है साहब अंदर देखते हैं सर बच रहा है फोर के स्क्वायर प्लस फोरटीन के प्लस नाइन ठीक है और अपॉन में क्या चल रहा है क्या, क्या? बच्चों हमें लाना है <coughs> सॉरी इसको थोड़ा सा नीचे करता हूं फोर के प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सिक्स के प्लस वन माइनस वन यानी कि इससे थोड़ी शेडगानी कर लेते है ना इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ ताकि कोई समस्या बिल्कुल नहीं आएगी कॉमन ऑमन लेने में कुछ भी करने में आ, के प्लस वन हमने आर से थोड़ी छिड़खानी की है तो बच्चों के प्लस वन का होली स्क्वायर फोर के स्क्वायर भाई के स्क्वायर को फोर से मल्टीप्लाई किया वन को फोर से मल्टीप्लाई करो फोर ये टू के को फोर से मल्टीप्लाई करो एट के प्लस सिक्स के प्लस सिक्स ठीक है माइनस का वन और अपौन में बच्चों क्या चल रहा है थ्री इसकी एक स्टेप और लिख लेते हैं के प्लस वन ठीक है फोर के स्क्वायर एज इट इज बच्चों आठ और चौदह के ठीक है क्या बात छ और चार दस दस में से एक गया तो नौ और बच्चों अपौन में कितना बच रहा है थ्री अब देख के बताओ क्या ये हमारे आर के बराबर है क्या क्यों हम इसको बैलेंस करें बच्चों जहां बस सिद्धि तो करना है एल और आर को सिद्ध करना है ना ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है ना कि केवल आप एल को सोल्व करके आर एच पे बोचो हमने एल को सोल्व किया अब इसको ब्रेक करने में जोर आता बच्चों थोड़ा सा तो हमने क्या दिमाग लगाया थोड़ा सा आर को ब्रेक कर लेते हैं क्या क्या फ़र्क पड़ता है डन कोई समझ वाली बात नहीं है तो इस प्रकार बच्चों एल बराबर आर आ गया आता है ये पी के प्लस के लिए भी बच्चों क्या हो गया सिद्ध हो गया अब जो स्टेटमेंट तुम्हें देने हैं वो तुम्हारे को ढंग से याद होनी चाहिए इस प्रकार पी के प्लस वन सत्य होगा जब कभी पी के सत्य है अतः गणित आगमन सिद्धांत द्वारा दिया गया कथन एन के सभी प्राकृत मानों के लिए सत्य है या सिद्ध होता है तो है बहुत आसान ना बढ़े आगे थोड़ा सा ये लिख लेना बच्चों पूरा एज इट इज चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर एट पे अभी देखो एट दिखने में तो बहुत बेकार साल हो गए पता नहीं क्या ही है घबराओ मतो तुम तुम्हें जो मैंने स्टेप्स बताई बस तुम उनको फॉलो करो बच्चों उससे बाहर कुछ भी नहीं है पहले इसको पी ले लेते हैं पीएन में यहीं ले लेता हूँ अब एन बराबर एक पर इस कथन को हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं सत्य करने की है ना एन बराबर एक पर तो बच्चों एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड हमारी बच्चों कितनी आ रही है दो आ रही है आर एच एस पे चलते हैं एन का मान एक रखो एक माइनस एक दो एक प्लस एक प्लस दो बच्चों तो जीरो हो जाएगा तो दो ही तो बचा एल एच एस बराबर आर एच एस तो पी वन तो सत्य हो गया अब माना कि कोई धन पूर्णांक के लिए यह सत्य होगा भाई एन एन बराबर एक के लिए हो गया अब एन बराबर के के लिए भी तो सकता है ना कोई भी धन पूर्णांक तो जो pk वाला कथन है ना वो क्या बन जाएगा फिर हमारे पास देख रहे हो ना सभी एक गुणा दो दो गुणा दो का स्क्वायर तीन गुणा दो का स्क्वायर एक गुणा दो गुणा दो का स्क्वायर तीन गुणा दो का स्क्वायर ऐसे आगे बढ़े चार गुणा दो का स्क्वायर और चलते 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 के गुणा दो की पावर के इसका रिजल्ट क्या आएगा एन की जगह लगा दो के माइनस एक दो की पावर के प्लस एक और प्लस का दो अब पी के सत्य है तो पी के प्लस वन के लिए सिद्ध करते हैं इसको अपन है ना तो पीके प्लस वन के लिए आ जाओ थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाते हैं बच्चों पी के प्लस वन पी के प्लस वन ठीक है तो एक गुणा दो दो गुणा दो का स्क्वायर बाकी तुम लिख लेना के, के, तो के तक है हम तो पी के प्लस वन यानी के प्लस वन के लिए लेकर जाना चाह रहे हैं ना तो जहां भी कह पे के प्लस वन लगा दो के प्लस वन और दो की पावर के प्लस वन ये इसका एल एच हो गया अब हमें इससे शेड़गानी करके आर आरेचे, एच तक पहुंचना है ना बच्चों तो आर एच एस क्या आना चाहिए जहां भी के है वहां पे के प्लस वन लगा दो तो वो के प्लस वन यहाँ पे लिखोगे तो वन से वन कट जाएगा बोलो है ना अरे कटेगा नहीं कटेगा के प्लस वन से तो वन से वन कैंसिल तो के बचा ठीक है केवल के बचा यहाँ पे आया दो यहाँ पे के प्लस वन लगाओगे तो के प्लस टू और ए प्लस का दो हमें ये लाना है बच्चों तो लेट स्टार्ट करें आइए मेरे साथ साथ बच्चों सभी देखो यहाँ पे जैसा कि हम अब तक करते वा रहे हैं यहाँ तक के डेटा का सॉल्यूशन है क्या अपने पास के की फॉर्म में ये रहा इसको तो लिखो के माइनस वन ठीक है गुणा दो की पावर k प्लस वन और प्लस का कितना आ रहा है बच्चों दो आ रहा है ठीक है इसकी जगह इस पूरे की जगह आप कैसे लिखोगे समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पर प्लस के प्लस और दो की पावर के प्लस वन ये लीजिए बच्चों अब हमें यहाँ तक पहुँचना है ना तो घबराओ मत पहले देखो कुछ कॉमन आ रहा हो तो कुछ तो आ रहा है कॉमन सर हम देख पा रहे हैं दो की पावर के प्लस वन कॉमन आ रहा है तो यहाँ से दो की पावर के प्लस वन कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा के माइनस वन इधर क्या बचेगा के प्लस वन लेकिन ये दो तो अलग से है इसको प्लस का टू कर दीजिए इसको मिक्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है अच्छा वन से वन कैंसिल हो गया बच्चों क्या बचा दो के दो के को बाहर ले लो तो के टू इंटू के को के इंटू टू भी लिख सकते हैं ना और ये टू की पावर के प्लस वन प्लस का टू अब ये दिमाग मेरा क्यों चला कि टू के को के इंटू टू लिख दो क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे एक पावर बढ़ानी है यहाँ तो के प्लस है अगर मैं एक दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा जो कि आ रहा है तो उसको पास लिख देंगे पास लिखने सुंदर लगेगा आपको समझने में आसानी होगी हमें पता है गणित में जब बेस सेम हो तो पावर्स का बच्चों क्या करते हैं एडिशन तो के ठीक है दो की पावर के प्लस दो और ए प्लस का दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इसके बाद तो तुम जानते ही हो इस प्रकार पी के प्लस वन सत्य होगा जब कभी पी के सत्य है अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा दिया गया कथन एन के सभी मानों के लिए एन के सभी प्राकृत मानों के लिए सत्य है या सिद्ध होता है बताओ समझ में आया नहीं आया आ गया बढ़े आ गया प्रश्न नंबर नो जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है ये थ्योरी तो तुम लिखी लोगे ना चलो क्या कह रहा है एन बिलोंग्स टू एन के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए तो वही बच्चों सबसे पहले क्या मानेंगे पी एन। ठीक है एन बराबर एक जो कि प्राप्त होता है एक बटा दो अब चलते हैं आर एच एस पे है ना तो एक माइनस दो की पावर एक, एक में से आधा गया तो बच्चों आधा बचता है एल एच एस बराबर आर एच एस ये लीजिए पहली बात क्लियर है आगे बढ़े अब देखिए बच्चों अब इसने क्या बोला कि वही स्टेप अब केवल ही स्टेप अब मैं शोट में लिख दूँ ना ऐसे बार बार वो लैंग्वेज बोलने की आवश्यकता है ही नहीं है ना समझदार हो इतने से तुम तो एक बटा दो प्लस एक बटा चार प्लस एक बटा आठ बच्चों के के लिए कहाँ तक चलेगा एक बटा दो की पावर के दैट इज इक्वल टू वन माइनस टू की पावर के ये लीजिए अब पी के लिए सत्य है पी के लिए सत्य होगा तो अब हम सिद्ध करेंगे है ना? यानी की जगह हम क्या रखने वाले हैं बालकों? पी के प्लस वन यानी कि के प्लस वन रखने वाले हैं एक सेकेंड इसको रफ कर देता है यहां पे वन बाई एट लिखा हुआ था ना बच्चों वापस लिखता हूं एक बार वन बाई एट इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं ताकि जगह हो अब ध्यान से देखना बच्चों ना अब के प्लस वन के लिए पी के प्लस वन एक बटा दो एक बटा चार एक बटा आठ के प्लस वन अब के प्लस वन के लिए कर रहे हो तो सर ये तो के तक है के प्लस वन के लिए आगे तक लेके जाना पड़ेगा यानी कि इससे पहले क्या आ रहा होगा बच्चों इससे पहले दो की पावर के ठीक है जैसा कि अब तक अपन कर रहे थे अच्छा इधर बच्चों साइड में राइट हैंडेड साइड में जो हमें लाना है जो हमें सिद्ध करना है वो क्या सिद्ध करना है जो मेन इस क्वेश्चन मेन जो कि मेन कैलकुलेशन होती है ना इस तरह के क्वेश्चन में वो यही होती है तीसरी वाली स्टेप में टू की पावर के प्लस वन लाना है ठीक है इसको थोड़ा सुंदर बना लेंगे एलसीएम लेके टू की पावर के प्लस वन माइनस वन बटा दो की पावर के प्लस वन बच्चों सिद्ध करना है तुम्हारे को ध्यान रखना तो लेट स्टार्ट जैसा कि अब तक हम कर रहे थे वैसा ही करेंगे कोई नया तरीका बिल्कुल नहीं है बच्चों यहां तक की जनता तो ऑलरेडी केकी फॉर्म में हमारे पास है यहाँ तक की जो जनता है वो केकी फॉर्म में क्या है? ये आ रही है जल्दी बोलो हा ना तो यहां तक तो लिखो एक बार फिर देखते हैं क्या चल रहा है वन, माइनस एक बटा दो की पावर के प्लस एक बटा दो की पावर के प्लस वन बात समझ में आ गई अब एक काम करेगा इस के प्लस वन की जगह ताकि एलसीएम लेने में तुमको दिक्कत नहीं होगी बच्चों इस के प्लस वन की जगह मैं रख दू टू की पावर के ध्यान से देखना गुणा टू की पावर वन और सुंदर लगेगा दिखने में अब हम लेंगे इस पूरे का एलसीएम तो दो की पावर के गुणा दो की पावर एक ये मैं बच्चों जल्दबाजी में ये पॉइंट बीच में लगा देता हूँ तो बीच में लगाने वाला पॉइंट होता है लेकिन मल्टीप्लाई मान लेना है आप ठीक है इमोशनल मत हो ना ये लो नीचे लगा देता हूँ चलो जी चलो स्टार्ट करते हैं एलसीएम लेते हैं क्या आएगा है जल्दी से बता दो यहाँ तो वही टू के टू की पावर के गुणा टू की पावर वन माइनस जल्दी बताओ बच्चों यहाँ पे क्या है अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ पे आएगा टू की पावर ओनली और यहाँ पे आएगा केवल प्लस यहाँ पे देखो ये अगर इन दोनों को सॉरी मल्टीप्लाई करें तो बेस से पावर्स का एडिशन होगा तो यहाँ पे आएगा टू की पावर के प्लस वन ठीक है टू की पावर के प्लस वन आ गया यहाँ पे बच्चों माइनस का दो प्लस एक कितना बचा माइनस का एक और नीचे दो की पावर के प्लस वन क्या ये हमारे राइट साइड के बराबर है क्या शत प्रतिशत बराबर है इसके बाद तुम जानते ही हो अतः पी के प्लस वन सत्य होगा जब कभी पी के सत्य है अतः गणित आगमन सिद्धांत द्वारा दिया गया कथन के सभी प्राकृत मानों के लिए सत्यापित होता है या सिद्ध होता है ये इस तरह की लैंग्वेज आराम से लिखी हुई है आप आराम से इसको कर लीजिएगा तो बच्चों इसी प्रश्न के साथ ये वाला वीडियो समाप्ति पर है मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ उससे पहले आप ट्राई करो आप देखो ना कोई अगला कोई बच्चों बेहतरीन कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं वही तीन स्टेप हमें लगानी होती है सिंपल लैंग्वेज है बस कैलकुलेशन जो तीसरी स्टेप में के प्लस वाला वन वाला निकालते हैं वहाँ पर तुम्हें थोड़ी सावधानी से करनी है राइट हैंडेड साइड को देखते हुए ठीक है बच्चों चलो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद